नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों की। ऊर्जा मंत्रालय के बिजली महोत्सव का समापन आज बेहद खास होगा। बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। पीएम देश भर के 100 से ज्यादा जिलों के बिजली क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़ेंगे, जिसमें पटना सहित बिहार के 5 जिले भोजपुर, नालंदा, सुपौल और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। आज से राजधानी पटना में बीजेपी की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर रहेंगे। इस योजना के माध्यम से पार्टी आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति पर मंथन करेगी। वहीं विपक्ष की ओर से इस पर हमले किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज कई बार आ चुके हैं, लेकिन उससे कुछ हाथ नहीं लगा है। वहीं केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के गांवों में 4G मोबाइल सेवा बहाल कर दी है, जिसके लिए 26,316 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना के तहत दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित देश के 24,680 वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें राज्य के 14 जिलों के 207 गांव और झारखंड राज्य के 23 जिलों के 1,615 गांव शामिल हैं। वहीं कटिहार के हसनगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में जन सुशासन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने की योजना पर मंथन हुआ। इसके लिए जिला स्तर पर सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा सहित कई नेता मौजूद रहे। शिविर में सरकार के सभी विभागों के अलग अलग 25 स्टॉल लगाए गए, जिसका डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अलग अलग कर सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। आज जन सुशासन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं का तुरंत निष्पादन करने का इस शिविर के माध्यम से प्रयास हो रहा है। और चाहे वो जीविका हो या हमारी जो अन्य योजनाएं हैं, जिसमें हम लाभार्थियों को कई प्रकार का लाभ पहुंचाते हैं, इन सारी योजनाओं का आज हम सबों ने वितरण भी सुनिश्चित किया है और उसका प्रत्यक्ष लाभ जो हसनगंज प्रखंड के लाभार्थी उसको मिला है। वहीं छपरा के बनियापुर में नेताओं का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और बीजेपी नेता शशि भूषण सिंह ने कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस दौरान शशि भूषण सिंह ने कहा कि बिहार के 200 चिन्हित विधानसभा में पार्टी के नेताओं को पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के इस प्लान के तहत प्रवासी नेता स्थानीय लोगों से जुड़ेंगे और लोगों की हालचाल जानेंगे। साथ ही क्रियान्वित योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा भी करेंगे। छपरा के बनियापुर प्रखंड में मजदूरों को रोजगार देने वाली मनरेगा लूट खसोट का जरिया बन चुकी है, जिसकी शिकायत के बाद भी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं होता है। बता दें कि रात में ट्रैक्टरों से मैदान में मिट्टी डालने का काम कराया जा रहा है। नियमानुसार इस काम के लिए पंचायत रोजगार सेवक की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन सेटिंग का यह खेल देखिए। ट्रैक्टर से कुछ लोग मैदान में मिट्टी डाल रहे हैं और कुछ कागजों पर सैकड़ों मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का दावा किया कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जब मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार से की, फिर भी इसकी कोई जांच नहीं हुई है। कल हमको एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका हम जांच टीम बना दिए हैं। उसकी जांच हम करवा रहे हैं। जो जांच आएगा उसके अनुसार हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे। तो सर, ऐसी घटनाएं 2 बार हो चुकी है पिनौटा पंचायत में। इससे पूर्व में जो भी था उसकी जाँच कर ली गई है और कार्रवाई उसको की जा चुकी है। अभी एक कल हम लोगों के संज्ञान में आया है, उसकी हम लोगों ने टीम बना के उसकी जांच करवा रहे हैं। जांच की रिपोर्ट आने के बाद उसके फलाफल से आपको अवगत करा दिया जाएगा। वहीं कटिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक रोती बिलकती माँ अपने जिगर के टुकड़े के लिए बिलक बिलक कर रो रही है और प्रशासन से गुहार लगा रही है कि मुझे मेरा बेटा दिलवा दीजिए। बता दें कि कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने अपने ही पति पर आरोप लगाया है कि युवती का पति उसका 2 साल का बेटा बलपूर्वक छीन कर राजस्थान ले गया है और बेटे के बदले पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज स्वरूप 60,000 रुपए नगद मांगे हैं। चलिए बिहार के खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।